लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है दोस्तों, और काफ़ी यानी कि छोटा सा झरना टाइप में काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, सुंदर लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो लाइट जल रहा है और पानी फुहारा टाइप में, आप लोगों को और नज़दीक से दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख सकते हो, देख सकते हो दोस्तों इस टाइप में दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, पूरा आखिरी तक लास्ट तक है वहाँ तक। और देख सकते हो मेरा कैमरा यानी कि डीजे लाइट से ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं फ्रंट से नहीं बना रहा हूँ, बैक से बना रहा हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। और हमारी जो इंडिया की भारत माता, तो आप लोगों को भारत माता दिखाता हूँ दोस्तों, इस साइड देख सकते हो हमारी भारत माता, जो इंडिया की शान है, हिंदुस्तान की शान है, और काफ़ी सुंदर देख सकते हो गार्डन, और इस साइड देख सकते हो छोटा छोटा लाइट लगाया गया है। तो दोस्तों इस साइड है छत्तीसगढ़ का गढ़ कलेवा, जो छत्तीसगढ़ का डिश, यहाँ पर डिश का यानी कि शॉप लगा हुआ है, मैं आगे शायद भंडारा हो रहा है, तो अपन भंडारा खाने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आया हूँ सेक्टर 5 भिलाई, तो काफ़ी सुंदर शहीद पार्क है, तो आप लोगों को आज शहीद पार्क घुमाऊँगा किस टाइप में शहीद पार्क है, और मेरे पीछे देख सकते हो ये एंट्री गेट है, तो आप लोगों को इधर से जाके पूरा घुमाऊंगा, पूरा यानी कि इस साइड पूरा पार्क है, तो आप लोगों को आज घुमाता हूं। और दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, तो बने रहो इस वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों अपन यहां से अंदर चलते हैं, यह है शहीद पार्क, तो यहाँ से एंट्री है, तो अपन इसके अंदर चलते हैं और अंदर का माहौल दिखाते हैं किस टाइप में दिख रहा है, तो चलो चलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और आगे में भंडारा हो रहा है। तो दोस्तों इस साइड है छत्तीसगढ़ का गढ़ कलेवा, जो छत्तीसगढ़ का डिश, यहाँ पर डिश का यानी कि शॉप लगा हुआ है, मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा शॉप है, जो छत्तीसगढ़ का यानी कि जो भी यानी कि डिश बनता है तो यहाँ पर बनाया जाता है, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर यानी कि देख सकते हो यानी कि गार्डन है, तो तालाब है छोटा सा यानी कि स्विमिंग पूल टाइप में, और देख सकते हो वहाँ पे नाव से यानी कि वहाँ पे जो लेजर लाइट जल रहा था अभी बंद हो गया लेजर शो, तो अपन आगे चलते हैं और आगे का माहौल आप लोगों को दिखाते हैं, और काफ़ी सुंदर गार्डन है दोस्तों, देख सकते हो इस साइड बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है देखने के लिए, इस साइड देख सकते हो यानी कि रील बनाने वाला कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो जो छत्तीसगढ़ का गढ़ कलेवा, छत्तीसगढ़ डिश यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे छोटा सा देख सकते हो छत्तीसगढ़ का जो गढ़ कलेवा, और यहाँ पे हमारे इंडिया के जो जवान देख सकते हो तिरंगा लेकर, और इस साइड भी यानी कि पूरा जो हमारे इंडिया के फौज है, आर्मी वाले, CSF वाले, तो इस साइड देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर है, यहाँ पे देख सकते हो दीवार में मूर्ति बनाया गया है, वहाँ पे तिरंगा है देख सकते हो, और बहुत काफ़ी लोग यहाँ पे देख सकते हो गार्डन घूमने के लिए आए हुए हैं, करीब 2 सालों के बने हुए गार्डन, काफ़ी सुंदर दिख रहा है देख सकते हो, और आप लोगों को आगे चल के और दिखाता हूँ। और हमारी जो इंडिया की भारत माता, तो आप लोगों को भारत माता दिखाता हूँ दोस्तों, इस साइड देख सकते हो हमारी भारत माता, जो इंडिया की शान है, हिंदुस्तान की शान है, और काफ़ी सुंदर देख सकते हो गार्डन, और इस साइड देख सकते हो छोटा छोटा लाइट लगाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इस साइड भी देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे जवान का यानी कि मूर्ति बनाया गया है दीवार में, इस साइड भी देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर दीवार में, और हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा यहाँ पे बनाया गया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और आप लोगों को इस साइड देख सकते हो यहाँ पे पानी में यानी कि लाइटिंग में काफ़ी सुंदर लगा हुआ है, तो आप लोगों को इस साइड जाके दिखाता हूँ किस टाइप में है। और दोस्तों मेरा सामने का जो फ्रंट कैमरा है वो डीजे लाइट से ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं उस सामने से नहीं बना रहा हूँ, डीजे लाइट से कैमरा ख़राब हो गया, तो सामने फ्रंट से नहीं बना रहा हूँ, बैक कैमरा से बना रहा हूँ। इधर देख सकते हो काफ़ी सुंदर यानी कि लाइट है, पानी वाला लाइट है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी में यानी कि लाइट लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है दोस्तों, और काफ़ी यानी कि छोटा सा झरना टाइप में काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ फ्रंट से, देख सकते हो दोस्तों इस टाइप में दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, पूरा आखिरी तक लास्ट तक है वहाँ तक। और देख सकते हो मेरा कैमरा यानी कि डीजे लाइट से ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं फ्रंट से नहीं बना रहा हूँ, बैक से बना रहा हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो।
और हमारे जो जो हमारे सेना है, तो यहाँ पे देख सकते हो दीवार में उनका यानी कि पूरा फोटो यानी कि मूर्ति बना हुआ है दीवार में। और जो भी यानी कि इंडिया में शहीद हुए हैं, तो उनका यहाँ पे देख सकते हो पूरा यानी कि टाइल्स में नाम लिखा हुआ है पूरे इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया का जो भी शहीद हुए हैं तो उनका यानी पूरा लास्ट तक यानी कि पूरे दीवार में नाम लिखा हुआ है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो लाइट जल रहा है और पानी फुहारा टाइप में। आप लोगों को और नज़दीक से दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख सकते हो इस साइड आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों लास्ट तक, देख सकते हो वहाँ तक है सेम वैसी है। आप लोगों को इस साइड चल के दिखाता हूँ, इस साइड इस टाइप में नज़ारा इस साइड का, तो आप लोगों को इस साइड चल के दिखाता हूँ किस टाइप में यहाँ का नज़ारा है इस साइड का। और यहाँ भी देख सकते हो काफ़ी सुंदर, यहाँ पे लाइट जल रहा है, ज़्यादा लाइट मार रहा करके दिख रहा नहीं है। और इस साइड भी यानी कि काम चल रहा है, देख सकते हो वहाँ पे छोटा सा जेसीबी है, काफ़ी छोटा सा, इतना सा बड़ा है देख सकते हो, काफ़ी छोटा जेसीबी है, काफ़ी छोटा सा जेसीबी देख सकते हो। आप लोग को आगे चल के दिखाता हूँ, और यहाँ पे मेरा छोटा सा दोस्त है, काफी सुंदर लग रहा है देख सकते हो, कचड़े का डिब्बा बना हुआ है। और इस साइड काफी सुंदर देख सकते हो झरना, झरना बना हुआ है, तो आप लोगों को झरना दिखाता हूँ। और यहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो आप लोगों को छोटा सा स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, काफी सुंदर लग रहा है। और वहां पर देख सकते हो काफी सुंदर वहाँ पे झरना, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। और काफी सुंदर रंग बिरंग का लाइट जल रहा है, पहले आप लोगों को दिखाता हूँ वहां से इस टाइप में आगे का। काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो काफी सुंदर लग रहा है, तो आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ। काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो काफी सुंदर रंग बिरंग लाइट जल रहा है और ऊपर से पानी गिर रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा झरना है, छोटा सा। और काफी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, मेरा कैमरा भी खराब है दोस्तों सामने का, आप लोगों को यहीं से दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो यहीं से अपन रिटर्न लेके उधर चलते हैं, तो आप लोग को उधर दिखाता हूँ किस टाइप में आगे का नजारा है। और काफी सुंदर गार्डन है देख सकते हो दोस्तों, इस साइड भी देख सकते हो काफी सुंदर है यानी कि स्विमिंग पूल टाइप में। और इस साइड छोटा सा गार्डन है जो बच्चे लोगों का झूला लगा हुआ है, तो आप लोगों को इस साइड चल के दिखाता हूँ, देख सकते हो छोटा सा पार्क है यानी कि बच्चे लोगों के लिए अलग से बनाया गया है, तो आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ इस टाइप में। यहाँ से रास्ता है तो अपन यहाँ से चलेंगे, और आप लोगों को दिखाते हैं बच्चे लोग जो झूला झूल रहे हैं और क्या क्या लगा है, तो आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं। और अभी अपन पुलिया को क्रॉस करेंगे, एक तो पुलिया बना हुआ है, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ भी एक पुलिया है और एक पुलिया वहाँ पे था, तो ये वाले पुल से अपन चलते हैं उस पर, और आप लोगों को आगे का किस टाइम में नज़ारा, तो आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ से देख सकते हो काफ़ी सुंदर छोटा सा गार्डन है जो बच्चे लोगों का, देखते हो दोस्तों काफी सुंदर यहाँ पे झूला वगैरह बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो मिकी माउस वाला झूला लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो काफी सुंदर लग रहा है मिकी माउस वाला। इस साइड आप लोगों को चल के दिखाता हूँ, और ये देख सकते हो मेरा दोस्त है, काट लिया ये देख सकते हो हाथ डालने से काटता नहीं है, ये दोस्त है मेरा चापता है ये देख से। आप लोगों को मिकी माउस वाला झूला दिखाता हूँ, ये मिकी माउस वाला झूला है, और स्प्रिंग वाला जो बच्चे लोग कूदते हैं वो वाला झूला है। और इस साइड छोटा सा और भी यानी कि झूला वो लगा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर देख सकते हो छोटा छोटा झूला बच्चे लोग का लगा हुआ है, इस साइड देख सकते हो, और इधर भी यानी कि काफ़ी बड़ा झूला लगा हुआ है बच्चे लोग का, तो
इस टाइम में यहाँ का गार्डन देख सकते हो दोस्तों, काफी सुंदर बनाया गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।